शरद पूर्णिमा के दिन इस बार लोग खीर का भोग नहीं लगा पाएंगे। शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को खंडग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा को चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है, इसलिए चांद की रोशनी में खीर रखी जाती है, लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण होने के कारण यह नहीं कर सकेंगे। ज्योतिषाचार्य के अनुसार वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन लगेगा। शरद पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर की सुबह 4:17 पर लगेगी, जो 28 अक्टूबर की देर रात 1:53 तक रहेगी। 28 अक्टूबर को भारत में ग्रहण की शुरुआत मध्य रात्रि 1:05 से शुरू होगी और 2:24 तक ग्रहण रहेगा। वह बताते हैं कि चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है और ग्रहण खत्म होने के साथ सूतक खत्म होता है। सूतक शाम में 4:05 पर प्रारंभ हो जाएगा। सूतक के समय मंदिर बंद रहते हैं और पूजा पाठ वर्जित माना गया है। चंद्र ग्रहण के कारण इस बार शरद पूर्णिमा को रात में अमृत वर्षा के दौरान खीर नहीं रखी जा सकेगी। ज्योतिष व वास्तु सलाहकार के अनुसार चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद खीर बनाकर रखा जा सकता है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।